हेलो फ्रेंड्स, आज के निबंध का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, लिंग, जाति और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति। इस निबंध के हेडिंग्स हैं प्रस्तावना, पूर्वाग्रह का अर्थ, लिंग एवं जातीय पूर्वाग्रह, क्या भारत में आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भर भारत हेतु कितनी आवश्यक है पूर्वाग्रहों से मुक्ति एंड लास्ट में निष्कर्ष। प्रस्तावना। आज संपूर्ण देश जहां आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, वहीं हमारे देश में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। जाति आधारित भेदभाव तथा शोषण के मूल में पूर्वाग्रह की मानसिकता ही कार्य करती है। पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगता है। पितृसत्तात्मक समाज में पूर्वाग्रह महिलाओं के प्रति एक हीन भावना उत्पन्न करता है। इससे महिलाएं सामाजिक विकास में पीछे छूट जाती हैं और उनके प्रति भेदभाव, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराध होते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ, लिंग एवं जाति पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्ण निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। इस शब्द का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग किसी विशेष लिंग, राजनैतिक विचार, वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता के हों। नंबर एक, जाति पूर्वाग्रह। भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग एक दूसरे को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। उच्च जाति में निम्न जाति के प्रति अनेक पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, जब वैश्य जाति के व्यक्ति को कोई लाला कहता है, तब कहने वाले मस्तिष्क में लाला की प्रतिमा बनती है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को सेवक या नौकर की दृष्टि से देखते हैं। नंबर दो, लिंग पूर्वाग्रह। लिंग के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रहों का अध्ययन कर देखा कि लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही स्त्रियों को कमजोर, मुलायम हृदय, दूसरों पर निर्भर रहने वाली और नेतृत्व गुणों से रहित समझा जाता है। इसी प्रकार के पूर्वाग्रहों के कारण ही पुरुषों को प्रभुत्वशाली, स्वतंत्र और मेहनती समझा जाता है। अतः भारत के आत्मनिर्भर बनने हेतु सर्वप्रथम हमारे देश को लिंग और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होना अति आवश्यक है। क्या भारत के पास आत्मनिर्भर होने का आत्मविश्वास है? आपसी भाईचारे की समझ के बिना जो जाति की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है, आत्मनिर्भरता न उदारवादी सुधार के परिदृश्य में केवल एक मुखौटा है। जब यह लगने लगा कि न्यू इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद अब नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत ही आवश्यक और नई कल्पना को जन्म दे दिया है। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को भी एक निश्चित कल्पना के आधार पर चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। आज एक संकट की घड़ी में नव उदारवादी व्यवस्था के बावजूद राष्ट्र संरक्षणवाद, राष्ट्रीय हित और आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर लौट रहे हैं, जिसे पहले स्वदेशी के रूप में जाना जाता था। हालांकि स्वदेशी की अवधारणा की तुलना में आत्मनिर्भर एक उच्च आदर्श है। आत्मनिर्भरता आर्थिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की जाती है। लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जिस प्रश्न की जांच होनी चाहिए वह यह है कि क्या भारत और भारतीयों में आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास है। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में पेश आता है जहाँ आत्मविश्वास की भारी कमी है। बिना किसी हिचकिचाहट या कलंकित या संकोच को महसूस किए आत्मविश्वास खुद के बारे में है। आत्मविश्वास सामाजिक दुनिया का पता लगाने और स्वयं की भावना का विस्तार करने की एक आवश्यक शर्त है।
महत्वपूर्ण सिद्धांतकार एक्सल होनेत का तर्क है कि खुद का विचार और उसकी मान्यता के तीन अकाट्य आयाम हैं, प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा से उत्पन्न आत्मविश्वास, समान उपचार या व्यवहार से पैदा हुआ आत्मसम्मान और समान कानूनी हैसियत और उपलब्धि और योग्यता की भावना से उत्पन्न एक आत्मसम्मान। आत्मनिर्भर भारत हेतु कितनी आवश्यक है पूर्वाग्रहों से मुक्ति। आत्मनिर्भर भारत हेतु पूर्वाग्रहों से मुक्ति कितनी आवश्यक है, यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सबसे ज़्यादा शोषण भारत के उन वर्गों का होता है जिनके पास सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी का सर्वथा अभाव होता है। गांवों की स्थानीय शक्ति संरचना में इन समुदायों की स्थिति सबसे कमजोर होने के कारण इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में आत्मनिर्भर बनने की सलाह का कोई मूल्य उन लोगों के लिए नहीं रह जाता जो कि इस ग्रामीण सामाजिक शक्ति संरचना में बाहर धकेल दिए गए हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के बड़े शहरों से गांवों की तरफ जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है वह बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्यों की तरफ सबसे ज़्यादा हो रहा है। इन्हीं राज्यों में जातिवादी घृणा, अपराध और दमन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार प्रवासी श्रमिकों, छोटे किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के हित में कदम उठा रही है। शहरों से गांव पहुंच रहे श्रमिकों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात कही गई है, परंतु अब देखना यह है कि ऐसी कई घोषणाओं के बावजूद हमारा समाज ऐसे वर्गों के साथ होने वाले शोषण पर आखिर कब रोक लगाएगा। सरकार जितनी मर्जी घोषणाएं ऐसे वर्गों के प्रति कर ले, किंतु जब तक समाज खुद लिंग और जातीय पूर्वाग्रहों को अपने मन से नहीं निकाल फेंकता, तब तक भारत का आत्मनिर्भर बनकर विकास करना नामुमकिन सा होगा। स्वर्णों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे आत्मनिर्भर बनने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों से खुद को मुक्त करें। जाति व्यवस्था और उसका पदानुक्रम विशेषाधिकार का निर्माण करती है, लेकिन आत्मनिर्भरता का नहीं। जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति हिंदू जातियों के खुद के लिए बहुत जरूरी है। जाति आधारित कमजोरी पर काबू पाने के लिए अंततः हिंदू जातियों और बाकी सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारे की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हुए बिना एक आत्मनिर्भर देश का निर्माण असंभव सा प्रतीत होता है। निष्कर्ष: एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लिंग और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति अति आवश्यक है। पूर्वाग्रह आधारित भेदभाव को कानूनी, वैधानिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारात्मक विज्ञान आदि के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। कानूनी वैधानिक प्रावधानों के तहत धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर विरोध करने पर दंड के प्रावधान दिए गए हैं, किंतु दंड पर आधारित पूर्वाग्रह का विरोध पूर्वाग्रह की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारात्मक विज्ञान के द्वारा पूर्वाग्रह की समस्या का समाधान धारणीय रूप से किया जा सकता है। पूर्वाग्रह की समस्या के समाधान के लिए तर्क पर आधारित वैज्ञानिक शिक्षा और नैतिकता तथा मानवतावादी भावनाओं का प्रसार भी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत, लिंग, जाति और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति पर यह निबंध आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।